हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बिग बैग लेकर आई हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने आज कुछ नए स्टाइल में ज़िप दी है, और लेकिन साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। और इसको मैंने यहाँ पर ज़िप और केवल एक ज़िप दी है, स्टाइलिश ज़िप है। और इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जब हम कहीं जाते हैं या कोई सामान रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एरिया होता है, यहाँ पर जब ज़िप हम बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं, तो ज़िप सामान रखने और निकालने में हमारे यहाँ पे ज़िप जो है ख़राब होने लगती है। तो मैंने इसको नए स्टाइल में निकाल दिया कि ज़िप को हम आड़ी लगा देंगे इस तरह से, तो पूरा बैग आराम से खुल जाएगा और सामान रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और ज़िप भी हमारी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या है और उसको मैंने कैसे तैयार किया है। आज का बैग बनाने के लिए हमने क्विल्टेड पीस लिया है 24 इंच बाई 36 इंच का वन पीस, 24 36। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर 12 इंच बाई 24 इंच का वन पीस और 12 बाई 12 का टू पीस। और इसके साथ लिया है हमने यहाँ पर 24 इंच की वन ज़िप और थोड़ी सी पाइपिन और टू रनर और 50 इंच की टू बेल्ट। तो बस इतने सामान से हम बैग बनाना शुरू करते हैं। तो आज का जो बैग है कुछ डिफरेंट स्टाइल का है। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे ये 24 इंच बाई 36 इंच के पीस का। और अब यहाँ पर जो हम मेजरमेंट करेंगे, सेंटर लेंगे। सेंटर हमने 12 इंच पे लिया। 12 इंच पर सेंटर लेने के बाद 2 इंच डाउन गए। 2 इंच डाउन जाने के बाद 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, टोटल 10 इंच का डिस्टेंस लेंगे। और उसके बाद फिर एकदम ऊपर से ही 12 इंच पर फिर एक निशान पूरा लगा देंगे ये। तो ये 12 बाई 24 इंच हो जाएगा हमारे पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पूरा निशान लगा रखा है। फिर यहाँ पर हम जो 12 इंच पे यहाँ पर डाउन जा करके एक निशान लगाया था, फिर सेंटर निकालेंगे 12 इंच पर, और फिर यहाँ पर भी 5 इंच पर निशान देते हुए इसको कंप्लीट यहाँ पर एक स्क्वायर बना देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास स्क्वायर 10 बाई 10 का बीच में आ जाएगा। इधर हमने 2 इंच काट दिया, और यही प्रोसीजर 12 इंच डाउन जा करके एक निशान लगाएंगे, सेंटर निकालेंगे 5 5 करते हुए 10 इंच इधर निशान लगा करके, और फिर इधर जब ऊपर आएंगे इस साइड, तो यहाँ भी हम 12 इंच पर सेंटर निकालेंगे इस तरह से, फिर 2 इंच डाउन जाएंगे और 5 इंच इधर 5 इंच इधर, और ये पूरे 10 इंच के डिस्टेंस पर ये पूरी लाइन हमारी आनी चाहिए। अब इसको करने के बाद जो हमारे पास बेल्ट रखी है उसको लेंगे, और बेल्ट को हम ये जो हमने 2 इंच डाउन जा करके और यहाँ पर 12 इंच डाउन जा करके यहाँ पर जो निशान दिया है, और ये 10 इंच की दूरी पर जो निशान दिया है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्का सा फोल्ड करेंगे, और इस लाइन के बगल से इसको सिलते हुए लाएंगे, और इस 2 इंच पर यहाँ ला करके डबल मशीन चला के इसको पूरा फाइनल सिल देंगे, और इसी तरह से इसको भी इधर सिल देंगे। तो ये हमारा बेल्ट लग जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आजू बाजू 2 मशीन चलाने के बाद बीच में भी एक मशीन चलाकर यहाँ डबल मशीन करके छोड़ दिया है। और इसी प्रोसीजर में इसको हम यहाँ पर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर रखते हुए यहाँ फोल्ड करते हुए इसको इसी तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पर भी सिल देंगे। और जो इस साइड हमने यहाँ पर 2 इंच डाउन जा करके जो निशान लगाया था और ये 10 इंच पर निशान लगाया था, इसी तरह से जैसे इधर की बेल्ट जोड़ी है, इधर भी बेल्ट जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम ये जो हमने यहाँ पर 12 12 12 तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया था, यहाँ पर 12 बाई 12 का पीस लेंगे और जोड़ देंगे। पहले बीच वाला जोड़ेंगे 12 इंच, फिर साइड का जोड़ेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से जोड़ना है। पहले 12 को बीच में जोड़ते हैं।
यहाँ लाइनिंग जो आप देख रहे हैं ये मैंने कॉटन दुपट्टे की लाइनिंग यहाँ पर यूज़ की है और ये बेडशीट है। और इसको हम जोड़ने के बाद ये जो 12x12 का पीस जोड़ा है इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ ये हमारा 12 इंच का बॉटम है जो अभी जोड़ा है। पहले हम इसमें एक दाब मशीन चलाएंगे, लेकिन दाब मशीन थोड़ी सी मोटी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटी दाब मशीन देने से जो सिलाई का पार्ट था वो अंदर चला गया, ये जो जोड़ था ये अंदर चला गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी साइड में देंगे। और कभी भी इस तरह की मोटी दाब मशीन जब भी दें या पतली दाब मशीन दें तो तुरंत यहाँ से जैसे सिल के लाए हैं तो यहीं से नहीं घुमा दें, यहाँ नहीं तो सुकड़न आ जाएगी। एक एक पार्ट करके सिलना चाहिए। तो अब इसको भी हम मोटी दाब मशीन दे देते हैं। अब यहाँ पर भी मैं बता दूँ, जब हमने नीचे का सिल लिया ऊपर से लाए सिलते हुए तो हमने इसको नीचे नहीं उतारा, यहाँ पर डबल मशीन देके छोड़ दिया, तो इससे ये इसका कॉर्नर काफ़ी सुंदर सा आ गया। ये देखिए, अब इसी तरह से हम इधर भी सिल देंगे। ये, और अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है, कहीं कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से भी बैग की फिनिशिंग दी जा सकती है, किसी भी बैग की भी फिनिशिंग चौड़ी दाब मशीन दे करके दी जा सकती है। और ये शेप भी ले लेता है और सुंदर भी लगता है। अब इसी प्रोसीजर में जो इधर का हमारे पास पीस है, अब ये 36 वाला जो पीस इधर एरिया है, तो पहले हम बॉटम जोड़ेंगे सेम प्रोसीजर में और फिर साइड का जोड़ते हुए फिर दाब मोटी दाब मशीन दे देंगे। अब यहाँ हमने फिनिशिंग दे दी और अभी इसको हमने इस टाइप से कुछ तैयार कर लिया जो इसका बेस है। अंदर ये हमारा बैग कंप्लीट हो रहा है नीट एंड क्लीन। और अब इसके बाद हम लेंगे ज़िप और दो रनर और पाइपिंग। और ज़िप में पहले दो रनर डाल देंगे हम। ये हमने दो रनर डाल दिए। अब थोड़ी सी पाइपिंग लेंगे ये, यह हमने यहाँ पर 3 इंच की दो छोटी छोटी पाइपिंग ले ली हैं और इसको यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, एक इस साइड एक दूसरे साइड। इसको कंप्लीट करने के बाद अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, जिप को बराबर से रखते हुए सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद जो हमारे पास 12x24 इंच का पीस बचा है उसको लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12 इंच है और इधर 12 इंच है, और मैंने यहाँ पर पीस यहाँ इस 12 इंच के इस कोने से दूसरे कोने पर यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच दी है। अब इसको हम मोड़ेंगे इस तरह से और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम चौक से निशान दे देंगे इस तरह से, ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर जो है थोड़ा सा बड़ा खींच देंगे। अब इसको हम यहाँ पर पूरा कट कर देंगे, जो तिरछी लाइन है जो बैंड लाइन दिखाई दे रही है इसको बस सीधा कट कर देंगे। अब इस ज़िप को एक पार्ट लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिल देंगे। तो ये हमारा सेंटर आ रहा है। यहाँ पर पहले हम एक पिन लगा देंगे जिससे कि ये खिसके नहीं। और अब ये सेंटर से सेंटर हमने यहाँ पर मिला दिया। अब इसको यहाँ से सिल देंगे, तो जितना यहाँ पर पाइपिंग का कपड़ा आएगा उतना हम ले लेंगे, बाकी बाद में कट कर देंगे। तो सिलने के पहले नहीं कट करना है, सिलने के बाद जब दोनों पल्ले हमारे लग जाएंगे जो इधर से कट किया है उसके बाद ही हम पाइपिंग को कट करेंगे।
और इसको इस तरह से रखेंगे, पहले एक चौड़ा और एक पतला आना चाहिए जैसे कट किया था। अब इस सेंटर को यहाँ से मिला के पिन लगा देंगे पहले। इसको जोड़ने के बाद ये जो हमारे पास कॉर्नर बढ़ रहा है इसको हम बराबर करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा फिर से पीस तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो ज़िप है ये तो मैंने 24 इंच ही ली थी। अब कटने के कपड़ा जब बैंड कटता है तो ज़िप जो भी चीज़ होती है वो छोटी हो जाती है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है, बैंड कपड़ा काटने पर लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग ली। पाइपिंग लेने का एक मतलब ये भी है साथ में कि ये तो छोटा हो ही जाएगा ज़िप का हिस्सा। इसको यहाँ पर ज़िप को हम कॉर्नर तक सिलते तो हम सफाई नहीं दे सकते थे, मजबूती नहीं दे सकते थे। अब यहाँ पर हमारे पास कपड़ा है तो हम यहाँ पर मजबूती डबल सिलाई देके दे सकते हैं। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, इसके साथ उल्टा करेंगे, 12 को 12 के साथ जोड़ेंगे और 24 को 24 के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम 12 को 12 के साथ जोड़ेंगे दोनों साइड, फिर 24 को जोड़ेंगे। और अगर इसकी वजह से थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ता है तो आप उसको 12 इंच की तरफ मर्ज कीजिए हल्की हल्की प्लीट्स देके, एकदम से प्लेट एक नहीं देनी है। अब हम 24 इंच को जोड़ेंगे बेल्ट वगैरह को सबको हटाते हुए। इसको जोड़ने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद सिप को बीच रनर को बीच में ले आएंगे और इसमें भी उसी तरह से मोटी दाब मशीन चला देंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो आज हमने बीच में क्रॉस करके इसमें ज़िप लगाई है उसका बस एक मेन कारण ये है कि अक्सर जब हम सीधी ज़िप लगाते हैं तो ये मैंने एक नया आइडिया निकाला है कि ज़िप हमारी ऐसे लगती है, इतना पार्ट बंद होता है, कोई सामान निकालते हैं तो यहाँ से ज़िप हमारी ख़राब होने लगती है और हमको सामान निकालने में भी दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा और जो भी सामान रखना है या निकालना है बहुत आसानी से निकाला रखा जा सकता है। तो ये ख़ास तौर पर जो सफ़र में चादर कंबल ले जाते हैं हम लोग बेडिंग के इस्तेमाल में काफ़ी अच्छा उपयोग में आएगा कि जल्दी से रखना है, जल्दी से निकालना है, या डंप बैग है कोई इस तरह से कुछ सामान रखना है तो ये पूरा खुल जाएगा इस तरह से और आपको सामान रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ना यहाँ से ज़िप ख़राब होगी और ना ही कपड़ा भी नुकसान में आएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।